आप तक पहुंचती रहे, और ये सब करना बिल्कुल फ्री है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सीट पर पूरे मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, फिल्टर लगा लेता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। पूरी सीट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिल्टर डाटा में जाके फिल्टर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कार्ड करते हैं ग्रुप से, ऑल ऑप्शन हम बंद करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बैंक अकाउंट में, तो देखते हैं बैंक का लिए हमने बनाया, यानी कि बैंक बैलेंस किस में जाएगा आपका, बैंक अकाउंट में। बैंक बैंक में कैसे बैंक हो तो किस में जाएगा आपका, बैंक अकाउंट में। तो ये तो आपका पैरालीजर बैंक का। अब नेक्स्ट चलते हैं, बैंक बंद करते हो, बैंक ओडी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका जाता है बैंक ओडी में। जिस तरह से बैंक आपका बैंक में गया, और बैंक ओडी आपका किस में आएगा, बैंक ओडी में। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप काफी ब्रांचेस हैं बॉम्बे में दिल्ली में कहीं भी, तो आप उसको हेड बनाएंगे लीड बनाएंगे, तो आप किस में डालेंगे, ब्रांच एंड डिवीजन में। ओके नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटल अकाउंट। चाहे आपके कैपिटल, आप कैपिटल का लीजर बना रहे हो, ड्रॉइंग का, पर्सनल एक्सपेंसेस, हाउस रेंट, इनकम टैक्स, LIC प्रीमियम, डेबिट, LIC रिफंड, क्रेडिट, लाइफ इंश्योरेंस, सब आपके किस साइड में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, कैश इन हैंड। कैश हमेशा आपका किस में आएगा, कैश इन हैंड में। जब भी आप ग्रुप बनाओगे कैश का, वैसे कैश की बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि टैली में हमेशा रहता है, तो कैश हमेशा वैसे किस में जाएगा, कैश इन हैंड में। नेक्स्ट चलते हैं, करंट असेट्स। करंट असेट्स में आपको क्या क्या आता है, जैसे आप लेजर बना रहे हो, एकड़ इनकम, एकड़ रेंट, एकड़ इनकम, बिल रिसीवेबल, बॉन्ड्स, कंसाइनमेंट स्टॉक, डिफर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, FDR, हुंडी असेट्स, स्टॉक ऑफ मेटल, सब आपके किस में जाएंगे, करंट असेट्स में। ठीक है दोस्तों, जब भी आप लेजर बनाओगे इस टाइप का, तो आप किस में जाएंगे, करंट असेट्स में। नेक्स्ट चलते हैं, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट पेबल, बिल पेबल, डेफर्ड इनकम, डेप्रिसिएशन रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंस, रेंट पेबल, जनरल रिजर्व, हुंडी लाइबिलिटी, सैलरी पेबल, टी एक्सपेंसेस पेबल, अनर्ड इनकम, वैट पेबल। पहले क्या था दोस्तों, वैट था, लेकिन अब क्या हो गया, वैट के लिए आपका GST आया, तो आप वैट के लिए आप GST डाल सकते हैं, आपकी सब कहाँ आएंगी, करंट लाइबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपने जैसे किसी से माल खरीदा, कुछ बिल पे है जिसको आपको पे करना है, तो आपके ऊपर क्या है, आपका जो आपसे पैसे लेगा वो क्या है आपका, यानी पैसे लेने वाला लेनदार, और लेनदार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेनदार को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स आपके आते हैं करंट लाइबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सपोज करो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री चाहे कुछ भी, यानी कि माल खरीदने से लेकर माल के बेचने से पहले तक के सभी खर्चे जो भी आपके होंगे कंपनी में या फैक्ट्री में, तो आप किस में डालोगे, हेड में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ, माल के खरीदने से लेकर माल के बेचने से पहले, माल के बेचने से पहले तक के सभी खर्चे आपके कहाँ आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे कैरिज, कोयल एंड फ्यूल, कोल, गैस एंड वाटर ऑफ फैक्ट्री, कॉलेज, ऑक्टे चुंगी भाड़ा, ऑयल, बिजली का भाड़ा, प्रोडक्शन वेजेस, रेंट ऑफ परचेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेज, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस। मजदूर काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, तो आपको उस मजदूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो माल बना रहा है, माल बन चुका नहीं है, माल अभी बना रहा है, यानी कि माल के बनने से पहले के जितने भी खर्चे हैं आपके किस में जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से देख सकते हो पूरी लिस्ट, मैंने आपकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं,
उसी प्रकार आपके डायरेक्ट इनकम है, यानी कि माल खरीदने से लेकर माल के बेचने से पहले तक के सभी खर्च, जो भी आपकी इनकम होगी वो आपकी इसमें आएंगे डायरेक्ट इनकम, जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम हो रही है तो कहाँ आएंगी, डायरेक्ट इनकम में। अप्रेंसिटिस प्रीमियम ये भी आपका डायरेक्ट इनकम है, तो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि मैंने इसमें वैट लिखा हुआ है, ये तो मेरी पुरानी लिस्ट है, अब वैट के जी आप जीएसटी भी कर सकते हो, तो मैं अभी यही टाइप कर देता हूँ GST, जो भी आपके परसेंटेज है, 5%, 18%, 5% और 18%, मतलब जो भी आपका टैक्सेस लगता है तो सब किस में जाएंगे, आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में, चाहे चाहे वो आपका इनपुट हो, चाहे आपका इनपुट का मतलब होता है जब परचेज से रिलेटेड, और आउटपुट का मतलब है सेल से रिलेटेड, जो भी आपके टैक्स हैं किस में आएंगे, आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में, मतलब आपको जो भी टैक्स चाहे आने पर हो चाहे जाने पर हो आएगा किस में, ड्यूटी एंड टैक्स, वो टैक्स किसके अंदर आएगा, टैक्स में, यानी कि ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जब भी आप लेजर बनाओगे यानी कि लेजर मतलब टैक्स का, तो किस में डालोगे, ड्यूटी एंड टैक्स में। नेक्स्ट चलते हैं फिक्स असेट्स, दोस्तों फिक्स असेट्स के बारे में आप सब जानते होंगे, जैसे कंप्यूटर आपका फिक्स असेट है, गुडविल हो गया, हाउस हाउस कार हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लीज होल्ड बिल्डिंग, स्कूटर, शॉप, शोरूम, टाइपराइटर, जितने भी आपके प्लांट है, बिल्डिंग है, कार है, कंप्यूटर, लूज टूल, मशीन है, टूल्स, मोटरसाइकिल, प्लांट, जितने भी आपके फिक्स असेट्स हैं आपको किस में आएंगे, हमेशा फिक्स में, जो मतलब जो एसेट्स हमारे लंबे समय तक चलती हैं वो सब किस में आएंगी, फिक्स असेट्स में, जिनकी लाइफ कम से कम 5 साल से ज़्यादा होगी। अब आते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये वो खर्चे होते हैं जो हमारा माल बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि जब हम उसको सेल करते हैं उसके बाद के जितने भी खर्चे हमारे होते हैं सब हमारे किस में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जैसे हमारा माल बनकर तैयार हो गया तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका एक्सपेंस देते हैं, तो किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ऑडिट फीस, बैड डेब्ट, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, कार एक्सपेंसेस, कार रिपेयर, कैरिज ऑन सेल्स, कॉफी एक्सपेंसेस, कोक एक्सपेंसेस, कमीशन, डेबिट, डेप्रिसिएशन, डोनेशन, लॉस बाय डैमेज, लॉस बाय फायर, मतलब जितने भी आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, मतलब पैकिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, पोस्टिंग, डेप्रिकेटर, जितने भी मतलब एक्सपेंसिव है, मतलब उनसे रिलेटेड रेंट एंड टैक्स, ऑफिस रेंट, तो सब आपके किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सैलरी आपका इनडायरेक्ट है, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड जितने भी खर्चे आपके होते हैं वो सारे क्या आपके इनडायरेक्ट, क्योंकि जब आप माल बनाकर तैयार कर लेते हो उसके बाद के जितने भी खर्चे आएंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब आपका माल बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद जितने भी आपके खर्चे होते हैं सब आपके किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है दोस्तों, व्हीकल रिपेयर सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट, क्योंकि माल के बनने के बाद के सभी खर्चे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप देख लेना इस लिस्ट को पूरे, नेक्स्ट चलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, ये भी वही जैसे माल के बनने के बाद के जितने भी मतलब आपको इनकम हो रही है वो सब आपकी किस में आएगी, इनडायरेक्ट इनकम में, जैसे कमीशन मिलना, इंटरेस्ट रिसीव होना, सब आपके क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम आपके जैसे हेड में भी है, काफ़ी सारी हैं, जैसे किसी जैसे आपने किसी को मतलब माल बेचा, वो पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन पैसे मर चुका था, लेकिन उसने क्या करा, कुछ दिनों बाद आपको पैसे दे दिया, बैड डेट रिसीव हो गया, तो आपका क्या है, एक बार प्रकार से इनडायरेक्ट इनकम है। इनकम ऑन असेट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम, रेंट रिसीव, ये सब आपके क्या है, इनकम है। मिसलेनियस इनकम, डिस्काउंट रिसीव होना, कमीशन रिसीव होना, तो ये सब आपके किस हेड में जाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम में। नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मास्टर प्लस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट सब किस में जाएंगे आपके, इन्वेस्टमेंट हेड में। ओके दोस्तों, मतलब जितने भी LIC हो गया, कुछ मतलब जो आप फ्यूचर
फ्यूचर के लिए बचाना चाहते हो, मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास हेड में आएगा इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हेड आपका एक हेड और बना हुआ इन्वेस्टमेंट का, चलो ये भी देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, शेयर एंड बॉन्ड्स, ये भी आपके इसमें जाएगा इन्वेस्टमेंट में। लोन एंड लाइबिलिटी, जैसे बैंक से लोन लेना, लोन ऑन मोर्टगेज लोन, सब आपके किसमें जाएंगे लोन एंड लाइबिलिटी हेड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये ऑप्शन बंद कर लेते हैं और परचेज का ओपन करते हैं। तो ध्यान रखो, परचेज आपकी किस में आती है, परचेज में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल किस में आएगा, परचेज में। परचेज रिटर्न, परचेज में। परचेज यूपी एंड एक्सपी, यूपी एक्स, यूपी का मतलब है यानी कि सेम स्टेट और अदर स्टेट से, यानी परचेज जब भी हम करते हैं तो परचेज हमेशा परचेज में आएगी। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज अकाउंट में, किस हेड में आएगा, परचेज से रिलेटेड जितनी भी एंट्री आपकी इसमें आएंगी, मतलब ले जो आपने बनाया है परचेज अकाउंट में। नेक्स्ट चलते हैं सेल। इसी प्रकार आपका सेल, सेल इनवर्ड, सेल अकाउंट में। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेल अकाउंट। सेल सेल में आएगी। सेल रिटर्न, सेल्स में। और सेल यूपी की हो चाहे अदर स्टेट की हो, तो किस में जाएगी, आपके सेल अकाउंट में। स्टॉक इन हैंड, चाहे आपका क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे इस पिछले साल का बचा हुआ, इस साल जो हम करते हैं उसको हम ओपनिंग बोलते हैं। फिर स्टॉक 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब जो है 1 अप्रैल से हमारी मतलब कंपनी स्टार्ट होती है, 31 मार्च यानी पूरे साल का जो भी स्टॉक होता है आपका किस में आएगा, स्टॉक इन हैंड में। नेक्स्ट चलते हैं। सिंडिकेटर, इंडिकेटर्स ये होते हैं जिससे आपने माल खरीदा, यानी कि जो हमसे, जो हमारे कर्जदार हैं, जो हमसे पैसे लेंगे, और जो लेने, जो पैसे हमसे लेंगे वो हमारे लिए क्या है, लेनदार। और लेनदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर। ये किस में आते हैं, हमारे क्रेडिटर में, यानी सिंडिकेटर्स में। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सिस्टम में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट आपका सन्डी डेप्टर, सन्डी डेप्टर का मतलब क्या है, यानी जिस व्यक्ति से आपको पैसे मिलने हैं, यानी कि देने वाला, जो आपको पैसे देगा, यानी देने वाला देनदार। और देनदार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्टर। इसलिए हेड किस में आएगा आपका, सन्डी डेप्टर में, यानी जिससे आपको पैसे मिलने हैं, तो आपको किस में आएगा, मतलब किस हेड में आएगा, सन्डी डेप्टर्स में। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट, मतलब जिसके बारे में आपको नहीं पता, मतलब किस हेड में आएगा, तो आप उसको डाल दो सस्पेंस में, यानी सस्पेंस आएगा आपका सस्पेंस में। कोई डिफरेंस आ रहा हो, मतलब डेबिट साइड में क्रेडिट में टोटल नहीं मिल पा रहा, तो एक एंट्री आप डाल सकते हो सस्पेंस के नाम से, वो हेड आएगा आपका किस में, सस्पेंस, यानी कि सस्पेंस में। तो दोस्तों ये सारी आपके हेड हो चुके हैं, एक बार आप दे सकते हो टोटल। मैं आपको टोटल करके दिखा देता हूँ कितने टोटल हैं पूरे। सेलेक्ट ऑल किया मैंने, ये लास्ट देखता हूँ तो ये कम से कम है 199 यानी 200 के आसपास। दोस्तों अगर आप ये हेड देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी अकाउंट्स में, मतलब आपको कभी अकाउंट्स में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके।